हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर बरकी मैग्नातीसी इमाला। इस चैप्टर में हमने पहले समझे थे फैराडे का कानून और मैग्नातीसी नफाज किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे आज जाती इमालियत, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसा कि हमने समझा है पहले, फैराडे का कानून जो कि होता है इमाली ईएमएफ बिलरास तनासुब मैग्नातीसी निफास की तब्दीली की शरह के बिलरास तनासुब। फैराडे का कानून जो हमने पिछले टाइम समझे थे, हिमाली ईएमएफ मैग्नातीसी निफास की तब्दीली की शरह के बिलरास तनासुब होता है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ये मसावात फैराडे का कानून आपको ध्यान में रखते हुए समझना है अब जाती इमालियत, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी अगर किसी कॉइल में, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉइल है, से कहेंगे लच्छी कॉइल, इसको बरकी दौर से जोड़ा जाता है। यह है बैटरी जिसका ईएमएफ ई और कुंजी के। जब कुंजी को क्लोज करेंगे और बैटरी को ऑन किया जाएगा तो बरकी दौर में से बरकी रॉ का बहाव होगा। इस बरकी रॉ को यानी करंट को हम जाहिर करेंगे आई से। इस कॉइल में बरकी रॉ की तब्दीली की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा स्मॉल ई, जिसको जाहिर किया जाएगा स्मॉल ई से। यह ईएमएफ कहलाएगा इमाली ईएमएफ। यह इमाली ईएमएफ इसी कॉइल में बन रहा है जिस कॉइल में बरकी रॉ को तब्दील किया जा रहा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक निफास भी तब्दील होगा। इसलिए यहां पर ईएमएफ जो है, ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सेम कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, इसलिए ये कहलाता है जाती इमालियत। और मैग्नेटिक निफास बिलरास तनासुब होगा बरकी रॉ के। जिस एतबार से बरकी रॉ को यहां पर हम तब्दील करेंगे, उसी एतबार से मैग्नातीसी निफास भी तब्दील होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं मैग्नातीसी निफास बरकी रॉ के बिलरास तनासुब होता है। इसलिए फाई इज इक्वल टू एल डॉट आई, जहां पर एल कहलाता है मुस्तकिल, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट होता है जाती इमालियत यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। लिहाजा इस मसावात की रूह से जाती इमालियत बराबर हो जाएगा फाई अपॉन आई। तो जाती इमालियत की तारीफ हम इस तरह से कर सकते हैं, मैग्नातीसी निफास और बरकी रॉ का तनासुब जाती इमालियत कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, मैग्नातीसी निफास और बरकी रॉ का तनासुब जाती इमालियत कहलाता है। ये एक डेफिनेशन हो गई जाती इमालियत की। अब हम जानते हैं फैराडे का कानून, यानी ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसलिए ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी डॉट फाई, और ये मसावात की रूप से फाई इज इक्वल टू होता है एल डॉट आई, जहां पर एल जो है तो मुस्तकिल है। इसलिए ई इज इक्वल टू माइनस एल डॉट डी आई अपॉन डी टी।
लिहाजा एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी बाय डी टी, ये मसावात भी कहलाती है जाती इमानियत। इस मसावात की रूह से, इस मसावात की रूह से जाती इमानियत को हम और एक मर्तबा इस तरह से बयान कर सकते हैं, इमाली ईएमएफ और बरकी रॉ की तब्दीली की शरह का तनासुब जाती इमानियत कहलाता है। इस तरह से हमने जाती इमालियत की दो तारीफें बयान किए। पहली तारीफ मिकनातीसी निफाज और बरकी रॉ का तनासुब जाती इमालियत कहलाता है। सेकंड तारीफ इमाली ईएमएफ और बरकी रॉ की तब्दीली की शरह का तनासुब भी जाती इमालियत कहलाता है। साथ ही साथ जाती इमालियत की इकाई होती है हेनरी, जाती इमालियत की एसआई यूनिट होती है हेनरी। तो आज हमने समझे हैं बरकी मैकनातीसी इमाला सबक में से जाती इमालियत की तारीफ। ठीक है, आज के लिए इतना।